वेलकम बच्चों आपने सबसे पहले समझा सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो आपके आए थे वो किस तरह से रहे पेपर टू के अंदर मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन भी आए थे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आइए समझते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ठीक है तो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बता देता हूं अगर सारे ऑप्शन टिक किए तो प्लस फोर है अगर छोड़ दिया तो जीरो है अगर गलत ऑप्शन टिक किया है तो माइनस दो मिल जाता है पार्शियली करेक्ट के आंसर है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी तीनों था और आपने ए बी मार्क किया है तो उस केस में जो है आपको मार्क्स प्लस थ्री या प्लस टू तक मिल सकते हैं अगर आपने बी डी मार्क कर दिया है तो आपका जो है नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी तो जो ऑप्शन सही आए एटलीस्ट वो मार्क करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल पी नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट सेंटर ठीक है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है सेंटर ऑफ ए फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर सफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी सिग्मा के बराबर है बच्चों ठीक है बोला है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देरिकल शेल द डायपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट स्मॉल एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर वाइल स्टेइंग एट ए डिस्टेंस आर द डायपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर डायपोल रोटेट कर सकता है उसके सेंटर के अक्रॉस इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट पढ़ते हैं द डायपुल अंडर गो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर किसी भी पोजिशन पे आर की ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा बच्चों ये ऑप्शन गलत हो जाता है इसका रीजन सिंपल सा ये है अगर ये जो डिस्टेंस आर है ये लेस देन आर होती इफ आर इज लेस देन आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड विल बी जीरो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं तो कोई ऑसिलेशन पॉसिबल था ही नहीं ठीक है सो दैट इज वाई ऑप्शन वन रॉन्ग हो जाता है बाहर किसी पॉइंट पे द डायपोल स्मॉल ऑसिलेशन एट ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन बिल्कुल सही बात है किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे ऑसिलेशन हो सकते हैं वो अभी निकालना सीखेंगे अपन की कैसे वैल्यू निकल के आती है उसकी देखते हैं उस चीज को तो बी इज दी करेक्ट वन गाइज दी नॉट करेक्ट डायपोल विल अंडर गु स्म ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीकवेंसी ऑफ दिस एट आर इज इक्वल टू टू आर एट आर इज इक्वल टू टेन आर दोनों ठीक हो सकते हैं चेक करते हैं किसी पोजीशन पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी बच्चों आप सोचो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे थे आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर होती है सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा होती है ओमेगा निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे सर इक्वेशन टाओ इज इक्वल्स टू आई एल्फा ठीक है एंड अगर मैंने इक्वेशन को ऐसा कन्वर्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि सर इस वाली इक्वेशन से टाओ इसे आप कन्वर्ट करके जो है लिख देंगे एंड जो फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो इस तरह से निकल के आएगा जैसे री फोर्स में निकल के आता था माइनस के एक्स के बराबर और इससे आप बोल देते थे सर एक्सलेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे कन्वर्ट कर देते थे सिमिलरली आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर टॉर्क जो है वो आई अल्फ़ा के बराबर होता है क्वल टू अगर यहां पर कुछ माइनस के थीटा बन जाता है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई थीटागाक्गा स्वयर इज इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखते हैं अगर डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो यहां पर बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा टॉर्क कैसे दिया जाएगा इसका P क्रॉस E रिस्टोरिंग टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन तो सबसे पहली बात लिख सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पी क्रॉस ई अब पी की वैल्यू तो पी ही है e आपको निकालना है पीई साइन e ये वैल्यू आ जाती है आपके ऑसिलेशन स्मॉल थीटा के लिए ही होंगे तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस पीई बाई आई साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया स्मॉल एंगल्स के लिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे लिखते हैं हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज क्यू बाय आर स्कवायर ठीक है जरा डेटा डाल देते हैं K is one upon four pi epsilon naught. Q की वैल्यू से निकल सकती है। वैल्यून अपर पाइप नॉट इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ गया क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ये सरफेस एरिया है इसका स्फेरिकल शेल है तो फोर पाई आर स्क्वायर इंटू थे बच्चो फोर पाई से फोर पाई कट गया योर वैल्यू ऑफ अल्फा इज कमिंग आउट टू बी माइनस बहुत ध्यान से देखना सिग्मा पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर इन थीटा ठीक है अब ये जो टर्म आपकी निकल के आई बट ऑब्वियस सी बात है कि पूरी टर्म आपकी जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी सो दैट इज हाउ आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट आई एम गेटिंग इन दिस प्रॉब्लम इज रूट ऑफ देखना सिग्मा पी आर स्क्वायर सिक्स नहीं है बच्चों सिग्मा पी आर स्क्वायर ठीक है न्यूमरेटर में जो है कैपिटल आर स्क्वायर था ठीक कर लेते हैं बच्चों एबजेलन नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर न्यूमरेटर में कैपिटल आर स्क्वायर है सर ठीक है देखो आप ध्यान से देखना इसमें आपको बोला है कि आर इज इक्वल टू टू आर वैल्यू क्या होगी जैसे आर इज इक्व टू टू आर आप डालते हो तो फोर आर स्क्वायर हो जाता है तो वो तो गलत हो गया R जैसे आप टेन आर डालते हो तो नीचे हंड्रेड आ गया सिग्मा पी पी को जो है आपका सी ऑप्शन यहां पर रॉन्ग हो जाता है सो दैट इज हाउ इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन जो है प्योरली आपका जो है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक से था ठीक है एंड मैं बोलूंगा यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस जो आपका चैप्टर वन होता है वहां से था ये क्वेश्चन अगेन मॉडरेट कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं sixth question हमें किस तरह से सॉल्व करना था तो फिफ्थ आपने देखा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा ठीक है अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो जेई एडवांस की स्पिरिट को डिफाइन करता है इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं ये क्लास इलेवंथ का टॉपिक का क्वेश्चन था यहां पर आपको जो है का इस्तेमाल कराया है वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कराया है ठीक है जरा देखते हैं मैं इस क्वेश्चन को जो है स्विमिंग पूल हाइट टू ए डेप्थ ऑफ दिस ठीक है एक स्विमिंग पूल है नेक्स्ट पेज पे जो है क्लियरली बता देते हैं आपको कि क्या सिनेरियो बोला गया है तो एक स्विमिंग पूल के अंदर बॉल को पॉइंट सेवन मीटर के डेप्थ पे पुश कर दिया गया यहां पर बॉल थी ठीक है आगे देखिए वाटर सरफेस एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इट इमर्जेस फ्रॉम दी वाटर सरफेस एट ए स्पीड वी विदाउट गेटिंग वेट ठीक है तो ऐसा जो है सरफेस में ये ऊपर आएगी बॉल और यहां से स्पीड वी से बाहर निकल जाएगी ठीक है ओके okay. राइज अपू हाइट एच ये हाइट एच तक जो है ऊपर निकल के जाती है मैंने हाइट ज्यादा छोड़ी नहीं है पे। पर फिर भी दिखा देते हैं तक ठीक तक है।, आगे आगे है, 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 है पहली चीज वर्क डन इन पुशिंग दी बॉल टू ए डेप्थ डी बॉल को डेप्थ डी तक ले जाने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ेगा ये चीज पूछी गई है निकाल लेते हैं ठीक है थेके? तो आप बोलेंगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बाय फोर्स ठीक है प्लस वर्क डन बाय विस्कस फोर्स ठीक है इज इक्वल्स टू जीरो क्यों क्योंकि फाइनल स्टेट पर भी काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो थी आगे देखो ध्यान से बोला गया है दैट बॉल दिस बिलो दॉटर इज पुश्ड डाउन इन टू ए स्विमिंग पूल टू ए डेप दिस वॉटर सर्फेस एंड देन स्लोली पुश्ड अगर बॉल को हम स्लोली पुश करेंगे तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी वे? वे हो ठीक है आप इसे मतलब okay. ऐसा करने से क्या हो जाता है फायदा हमें मालूम है विस्कस फोर्स को दिया जाता है सिक्स पाए एटा

आप बॉल को नीचे ले जा रहे हैं तो नेगेटिव वर्क हो रहे हैं ठीक है जरा डेटा यहां पर डाल देते हैं मास की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री लिख लेते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री जी की वैल्यू टेन है वो पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई होकर सेवन बन जाता है प्लस डेंसिटी कितनी बोली बच्चों डेंसिटी आपको टेन टू पावर थ्री दे रखी है वॉल्यूम कितना होता है बच्चों फोर बाय थ्री पाए पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन लेने को बोला है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों यहां पे, नहीं दिए क्या दिए रेडियस इज थ्री बाई टू इन टू टेन टू पावर माइनस टू जब इसका क्यूब करेंगे थ्री बाई टू ट्वेंटी सेवन एट टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है ना फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब जी की वैल्यू जो है टेन है एंड सेवन से मल्टीप्लाई करके पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई करके सेवन बन जाता है जरा देखते हैं फाइनली क्या बच रहा है यहां पे आप देखेंगे सर पहले टेन टू द पावर थ्री और टें टू पावर माइनस सिक्स कैंसिल होकर टेन टू द पावर माइनस थ्री बन जाते हैं ठीक है देन सर ये सेवन और सेवन कैंसिल हो जाते हैं ठीक है ये सेवन और ये सेवन कैंसिल हो जाते हैं ये थ्री और ये कैंसिल होकर नाइन बन जाता है ये फोर और ये कैंसिल होकर टू बन जाता है ये कैंसिल होकर इलेवन बन जाता है तो अगर आप चेक करेंगे तो ये लिखा है इलेवन इंटू नाइन That is 99 into 10 to the power minus 3. ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट है ठीक है देन आगे लिखा है minus 22 into 10 to the power minus 3. Solve करेंगे तो 77 into 10 to the power minus 3. That दैट इज जीरो जूल क्या कोई ऐसा आंसर है क्या देखना भाई 0.077 जूल येस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इफ नेग्लेक्ट कर दो तो कितनी स्पीड होगी अब देखो यार दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको मालूम है कि जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का है जैसे ही बॉल को छोड़ोगे तो ये बॉल ऊपर आएगी ठीक है आपको यहां पर बताना है देखना ध्यान से वर्क डन नेगलेक्ट दिस्कस द स्पीड वी ठीक है आप बोल सकते हैं जब बॉल ऊपर की तरफ आ रही है तो वहां पर जो है बॉल को ऊपर लाने में कौन कौन वर्क करेगा अब उल्टा चीज सोचना है आपको सेकंड ऑप्शन के लिए वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बॉल को ऊपर लाते वक्त एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं ग्रेविटी वर्क करेगा ठीक है इसके अलावा कौन करेगा बाइंड फोर्स वर्क करेगा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ग्रेविटी कितना वर्क करेगा माइनस एमजीएच के बराबर और ये कितना करेगा रो रोवीजीएच के बराबर है ना और ये तो आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो यही तो है देखो माइनस एम जी एच प्लस रो जी एच ये वैल्यू तो आपको पता है सर ये सेवेंटी सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री आती है इज इक्वल्स टू हाफ मास की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको देखना जरा मास इज ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री ट्वेंटी टू सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू वी स्क्वायर सर माइनस थ्री माइनस थ्री गया ये कट के इलेवन हो गया यहाँ पे इलेवन और ये कट के सेवन रह गया यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू फोर्टी नाइन निकल के आती है यहां से वी की वैल्यू जो है आपको सेवन निकल के आ जाएगी दैट इज नीड टू कैलकुलेट दिस वन ठीक है तो बी ऑप्शन को भूल जाओगे तो क्या होगा बॉल ऊपर की तरफ उछलेगी जब बॉल एयर में आ जाएगी तो आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से कह सकते हैं दैट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर दैट विल कन्वर्ट इन टू एम जी एच अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है पिछले ऑप्शन से हाफ एम वी पिछले ऑप्शन में देखना हाफ एम वी स्क्र इज दिस ओनली दैट इज सेवेंटी सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री देख लेते हैं भाई इससे आंसर आता है क्या सेवेंटी सेवन इंटू टेन टू दू पावर माइनस थ्री मास कितना है बच्चों ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री जी की वैल्यू कितनी है टेन और ये हाइट अगर आप देखेंगे यहां पर सर तो एलेवन टू जावन जा गया ठीक ठीक है है क्यों नहीं मैच किया मेरा आंसर सर आप कुछ भूल गए हैं क्या यहां पे तो इस वाले ऑप्शन के अंदर जो है पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ए बी डी इसीलिए मैच नहीं किया ठीक है कि यहां पर जो वैल्यू है आपकी वो निकल के आती है हाइट इज इक्वल्स टू ये सेवन हो जाएगा पॉइंट सेवन मीटर ये हाइट आती है इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं किया है दैट इज नॉट करेक्ट गाइज रेशियो ऑफ द माइगिट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर इज फाइव हंड्रेड बाई नाइन तो इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ द ऑफ द नेट फोर्सेज एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्सेस ओके इन वाटर अब नेट फोर्सेज जो लग रहे होंगे इसके यहां पर एक्सक्लूडिंग विस्कस वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं नेट फोर्सेस जो आपके लग रहे होंगे वो ये हैं देखना भाई नेट फोर्सेस जो लग रहे होंगे माइनस एम नीचे की तरफ एम लग रहा होगा ऊपर लग रहा होगा तो अगर आप बोलोगे नेट फोर्सेस डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं माइनस एम जी अब देखो आप रोवीजीएच माइनस एमजीएच ये निकाल के बैठे हो दैट इज 77 सेवन इंटू टेन टू पार माइनस थ्री उसे हाइट से उससे डिवाइड कर दो एच से तो आपका वैल्यू आ जाएगा वट इज द वैल्यू ऑफ एच आपने देखा है एच की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में सेवन दे रखिए तो से आपके तो दैट विल बी माइनस टू ये आपके नेट फोर्सेस आ गए इसे विस्कस फोर्स से डिवाइड करके आंसर चेक करना है तो अगर मैं इसे विस्कस फोर्स से डिवाइड करना चाहता हूं तो डी ऑप्शन में बोला था नेट फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस Net forces forces are given as 11 into 10 to power minus 2 divided by viscous viscous pi eta r v maximum viscous force था आप बोल सकते हो सर by इंटेंटी what is the value of coefficient of viscosity देख लेते coefficient of viscosity problem के अंदर अपने को दे रखा है 10 to the power minus 3 है तो as it is use कर लेते हैं अब रेडियस की वैल्यू यूज कर लेते हैं रेडियस की वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखी थी कि आपकी थ्री बाई टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू है थ्री बाई टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू विस्कस फोर्स मैक्सिमम बताना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन दी वॉटर जब वो पानी से बाहर निकलने वाला है सेवन के बराबर है ठीक है तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कि सर ये सेवन के बराबर है देखिए कैंसिल आउट करते हैं गया ये गया ये गया। ये गया तो ये थाउजेंड ऊपर ले जाके लिखो थाउजेंड ये टू और ये टू कैंसिल करो नीचे लिखा हुआ है सिक्स इंटू थ्री एटीन दैट इज फाइव हंड्रेड बाय नाइन आई थिंक यही ऑप्शन आपको दे रखा है फाइव हंड्रेड बाई नाइन ही आपको दे रखा है तो दैट इज हाउ डी इज द करेक्ट आंसर तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ए बी डी ऑप्शन हो जाता है ए बी डी ठीक है एंड फ्लूड वर्क एनर्जी पावर दोनों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं यहां पर यह प्रॉब्लम मजा आया इस प्रॉब्लम को देख के ठीक है इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है यहां पर ध्यान से समझना देख के ऐसा बिल्कुल खतरनाक सा दिखता है कि सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज यहां पर पूछी होगी बट ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पूछी है करना कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज एटम ऑफ मास नंबर ए एम तो यहां पर आयन है जिसको ऐसे

गिवन द मास ऑफ न्यूट्रॉन वर्स डिवाइड बाय प्रोटॉन इज फाइव बाई थ्री टू वाइनस ट्वेंटी सेवन के जी चार्ज दे रखा है आपको जरा चेक कर लेते हैं नीचे घूम रहा है नहीं घूम रहा आप फ्लेमिंग्स रूल का इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज उधर जा रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है बिल्कुल सही बात ये ऐसे घूमेगा सर्कुलर मोशन में और ऐसे आके यहां पर हिट करेगा ठीक है यहां से सीधे निकल के ऐसे हिट कर जाएगा हमें मालूम है इसकी जो रेडियस होती है द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज गिवन एज एम बी बाई क्यू बी सो so, यहां पर रेडियस की वैल्यू होती है एम वी बाय क्यू बी ठीक है हमें मालूम है मोमेंटम को रूट टू एम के लिखा जाता है तो हम यहां पर अगर रूट टू एम के डालते हैं रूट टू एम के दैट इज काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी क्यू इन टू डेल्टा वी डिवाइड बाई क्यूबी हमारा रेडियस का जो फॉर्मुला यहां पर बन के आ जाता है बच्चों दैट इज टू एम डेल्टा वी अंदर जाके बेटा क्यू स्क्वायर होगा एक क्यू कट जाएगा और ये बी स्क्वायर

मुझे m/q की वैल्यू दे रखी है h+ plus के लिए तो यही यूज होगी नहीं ये तो न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन दे रखा है ओके okay, ठीक है अब मुझे जो है m/q यहां पर यूज करना था चार्ज चार्ज तो मुझे पता है यहां पे ठीक है अच्छा m/ by नहीं है यार क्या कर रहे हो सर मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लैश प्रोटोन इनमें से किसी का भी मास पता है ना आपने को ऐसे ही जाता है ठीक है तो यहां पर जो है मास की वैल्यू को पता है पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है आगे देखो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहां पर वन नाइनटी टू का है डिवाइड बाय क्यू की वैल्यू आपको दे रखिये वन पॉइंट सिक्स इंटू माइनस नाइनटीन एंड बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड टू टू स्क्वायर हो जाता है जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखते हैं क्या बनता है 2, 10 19 मिलके 10 21 बनते हैं और यह माइनस ट्वेंटी कैंसिल करके टेन टू पावर माइनस सिक्स बना देते हैं रूट के अंदर ही है बच्चों ठीक है आर इज इक्वल्स टू एक और टेन टू पावर माइनस वन ऊपर चला जाएगा फाइव इंटू टू टेन उससे काट देगा यहां पे तो मेरा रिजल्ट बना सिक्सटी फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स ये लिखा जा सकता है फोर तो रेडियस की वैल्यू बच्चों टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री यहां पे निकल के आई कुछ तो गड़बड़ कहीं हुई है क्योंकि अच्छा ये जब ऊपर गया तो टेन बना और एक और टेन 10 था हंड्रेड और हंड्रेड और ये मल्टीप्लाई हो गया टेन टू पावर माइनस फोर रह गया ठीक है समझ में आई गड़बड़ तो टेन टू पावर माइनस फोर रह गया यहाँ पे अगर ये माइनस फोर है तो बाहर निकल के माइनस टू तो रेडियस की वैल्यू टू सेंटीमीटर आ रही है तो इसका मतलब डबल ऑफ रेडियस फोर होगा तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाता है यहां पे अगर ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं देखो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एन आयन एन एम इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर इज फोर्टी एट अगर एटॉमिक मास नंबर वन फोर्टी फोर हो जाता है तो क्या होगा भैया पूरी कहानी में देखना इस पूरे फॉर्मूले में क्या टू नहीं बदलेगा डेल्टा वी नहीं बदलेगा चार्ज नहीं बदलेगा क्योंकि उसका भी सिर्फ प्लस वन ही करना है आपको प्लस वन वाला आयन है यहां पे देखो लिखा है क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एन आयन ए एम आयन बनाना है आपको एक ही चार्ज उसको देना है तो क्यू की वैल्यू नहीं बदलेगी आपकी बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं बदलेगी बस मास की जगह आपका वन फोर्टी फोर टाइम्स ऑफ मास आ जाएगा अगर 144 टाइम्स ऑफ मास है तो रूट से बाहर निकल के वो 12 बन जाएगा आपको रेडियस से वो 12 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इन दिस केस आपकी जो रेडियस बन जाएगी इन दिस केस द न्यू रेडियस विल बी इक्वल्स टू 12 टाइम्स दी ओल्ड रेडियस 24 सेंटीमीटर की बच्चों आपकी रेडियस बन गई है अगर रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर की बन गई है तो आपकी एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली डबल ऑफ दी रेडियस होती है वह आपकी बच्चों फोर्टी एट यहां पर निकल के आ जाएगी होपफुली समझ गए होंगे

फोर्टीन टाइम्स दी आर ओल्ड मतलब इनिशियल वाला आपकी रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर हो जाती है अगर रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर हो जाती है तो विथ डब्ल्यू कितनी होनी चाहिए अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ये तो बोले ना मिनिमम मिनिम विबल्यू ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोल्ड फॉर डिटेक्टिंग आस ठीक है तो अगर हम चाहेंगे यहां पर बड़ा सर्कल बनाना ठीक है तो इसकी मैक्सिमम विथ्थ जो है रेडियस की इक्वल हो सकती है तो बच्चों यहां पर जो है टू आर की वैल्यू दे दी गई थी wrong, अगर आपको यही वैल्यू वन नाइनटी तक अगर आपको हिट करना था तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट दिनि हाइट ऑफ द डिटेक्टर इज ठीक है एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट अगर आपको चेक कर है हैं अच्छा देखो आर आपका जब आपका यहां पर वैल्यू जो है एटॉमिक मास वैल्यू वन के बराबर है तो आपकी रेडियस कितनी आती है पे वो हिट करने वाला है, वो फोर के बराबर है जब वन नाइनटी सिक्स है तो आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस का वैल्यू किसके बराबर होगा ट्वेंटी एट का डबल दैट इज फिफ्टी सिक्स तो अगर आप चाहते हो कि ये हिट कर जाए तो फिफ्टी सिक्स से लेके फोर

बड़ा अच्छा सवाल था बच्चों आपने देखा कि किस तरह से करना था ये क्वेश्चन जो है क्लास ट्वेल्थ का था ठीक है अगेन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ऐसा सारी कैलकुलेशंस आप बहुत बार क्लास के अंदर करते हैं सो अगेन वी विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज मॉडरेट ओनली अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल समझना तो ये मॉडरेट ही है बच्चों ओके आई होप इट इज क्लियर तो मैंने आपके सामने जो है यहां पर कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन का नाउ इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थैंक यू